1975 का एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता वेस्टइंडीज यकीनन काफी मजबूत टीम थी। एक से एक बढ़कर विश्व स्तरीय बल्लेबाज और फास्ट बॉलरों से सुसज्जित इस टीम को हराना लोहे के चने चबाना जैसा था। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद 1976 में वेस्टइंडीज के दौरे पर गए भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर वेस्टइंडीज के होश उड़ गए। सही मायनों में वेस्टइंडीज काफी डर गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि इस दौरे का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास में एक खूनी मैच के रूप में दर्ज हो गया। आइए चार मैचों की इस टूर्नामेंट पर मैच दर मैच नजर डालते हैं। पहला मैच 10 मार्च से 13 मार्च के बीच बिजटाउन में खेला गया। इस मैच को वेस्टइंडीज एक इनिंग्स और 97 रनों से जीत लिया। दूसरा मैच 24 मार्च से 29 मार्च के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया और यह मैच ड्रॉ रहा। स्कोर कुछ इस प्रकार रहा, वेस्टइंडीज फर्स्ट इनिंग्स में 241 रन बनाए जिसके जवाब में इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट पर 402 रन बनाकर पारी समाप्त की घोषणा कर। सेकंड पारी में वेस्टइंडीज 215 रन बनाए और समय समाप्त होने के कारण मैच ड्रॉ हो गया और इस दूसरे मैच के बाद ही कहानी में नया मोड़ आ गया। तीसरा मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में 7 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच खेला गया और इस मैच को इंडिया 6 विकेटों से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज 359 रन बनाए, जवाब में भारत 228 रन ही बना पाया। दूसरे इनिंग्स में वेस्टइंडीज 6 विकेट पर 271 बनाकर पारी डिक्लेयर कर दिया और इंडिया को 403 रनों का विशाल टारगेट दे दिया। फोर्थ इनिंग्स में 400 रन चेज कर मैच को बनाना लगभग नामुमकिन ही था, लेकिन भारत के जाबाज बल्लेबाजों ने मैच को बचाया ही नहीं अपितु 4 विकेट खोकर इस असंभव सा दिखने वाला टारगेट को अचीव कर भारत को जीत दिला दी। इस हार से लॉयड तिलमिला गए और अपने बॉलरों को बुलाकर कहें, मैंने तुमको भारत को हराने के लिए 400 से ऊपर का रन दिए लेकिन तुम उन्हें आउट नहीं कर पाए, भविष्य में मैं तुम्हें कितने रन दूं कि तुम विपक्षी टीम को आउट कर पाओ। लॉयड का यह कथन उसके फास्ट बॉलरों के अंदर बारूद भर दिया और जिसका नतीजा यह हुआ कि चौथा टेस्ट मैच एक खूनी टेस्ट मैच के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया। चौथे टेस्ट मैच में किंगस्टन के सबाइना पार्क में भारत जब पहली पारी में बैटिंग करने आया तो वेस्टइंडीज के बॉलरों ने बाउंसर और बीमर से उनका स्वागत किया। उनका इरादा साफ था, अगर भारतीय खिलाड़ियों को आउट नहीं कर पाए तो कम से कम उन्हें इंजर्ड कर पवेलियन तो भेज ही सकते हैं। इसके बावजूद भारत पहले दिन के खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 178 रन बना लिए थे, लेकिन पहले दिन ही गायकवाड़ के सीने में एक तेज बॉल लग चुका था। दूसरे दिन वेस्टइंडीज के बॉलरों ने बाउंसर की झड़ी लगा दी और बीच बीच में बीमर बॉल भी फेंकने लगे। नतीजा गायकवाड़ के कान से खून बहने लगा, विश्वनाथ के हाथ की उंगली टूट गई और ब्रजेश पटेल का ऊपरी होंठ कट गया। बावजूद इसके इंडिया 6 विकेट पर 300 रन बना चुका था, किंतु बिशन सिंह बेदी को पारी डिक्लेयर करनी पड़ी क्योंकि अधिकांश प्लेयर इंजर्ड हो गए थे। जवाब में वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में 391 रन बनाए। दूसरी पारी में भारत जब बैटिंग करने उतरा तो उसके 5 खिलाड़ी चोट के कारण बाहर था और भारत 5 विकेट पर 97 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी और वेस्टइंडीज को जीत के लिए मात्र 13 रन का टारगेट दिया, जिसे वेस्टइंडीज आसानी से बना लिया और इस तरह वेस्टइंडीज इस सीरीज को 2-1 से अनैतिक रूप से जीत लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है। 1983 में भारत ने वेस्टइंडीज को विश्व कप के फाइनल में हराकर वेस्टइंडीज का लगातार तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।